Hello friends, I am your host Kaleem Khan and you are watching 4 episode of my journey. This is actually a Scotland of Pakistan. ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस कुदरत के हसीन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर सकें. जाना था शाही बाग मगर क्यों ना जा सके, इसका जवाब भी कुछ देर में मिल जाएगा. और फिर हम बडागोई पास की तरफ रवाना हुए. अगर यकीन से कहूँ तो ये स्कॉटलैंड ऑफ पाकिस्तान है. वैसे ही मनाजर आपको यहाँ मिलेंगे. ये पास अपर दीर और कलाम को आपस में मिलाता है और कुमराट का रास्ता भी यहीं से जाता है. और ये सतह समंदर से 3523 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है. रास्ते इंतहाई ख़तरनाक हैं जो ज़िंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं. हमें तो कच्चे की बदवा है, लिहाजा हमारे दोस्तों ने बाइक्स पर वो स्टंट मारे कि तमाम लोग तालियों और खुशियों से झूम गए. चलते हैं सफ़र की तरफ इस शेर के साथ. रस्ते में मिल गया तो शरीके सफ़र ना जान, जो छाँव में रबां हो उसे अपना घर ना जान. ये देखें ना, अब बिल्कुल हम दरिया के नज़दीक तरीन हो चुके हैं. रोड का काम भी लगा हुआ है और यार यहाँ से गाड़ी तो नहीं गुजर सकती ना. चलो चलो जाओ तो. मतलब जिसने रीढ़ की हड्डी का इलाज कराना वो यहाँ पर आए, ऐसा ही है. अभी कुछ देर में ही बडागोई टॉप पहुँच जाएंगे और ये रास्तों की सूरत हाल है. जिस तरह लग रहा है लोहारी पास जिस तरह होता था वहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है और ये जिग जैक रोड है. यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन कम हो जाती है और यहाँ पे एल्टीट्यूड था 2963 मीटर. लगता है जनाब बडागोई टॉप के करीब पहुँच चुके हैं हम. मज़ेदार किस्म का जी दोपहर का खाना. और ये रहे हमारे दोस्त कमरान भाई. थैंक यू यार, आज चप्पल कबाब खाएंगे तो एनर्जी पूरी रहेगी. लगी भाई आपका थैंक यू. हाँ नो, वी स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम कलाम और अभी हम शाही बाग के रास्ते पे आ चुके हैं. सैलाब की वजह से जी कुछ पैच ख़राब था जिसकी वजह से जो है हमें दरिया की तरफ से गुज़रना पड़ा, मगर रास्ते इतने बुरे नहीं हैं इस साइड पे जिस तरह मऊडांड वाली साइड पे थे. और यहाँ पे जिस तरह ही पहुँचे हैं ना जी, लैंडस्केप टोटली चेंज है. लोगों के घर मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आए. और अभी हमने जाना है अतरोड. अतरोड पहुँचेंगे फिर उसके बाद जी शाही बाग की तरफ हम रवाना होंगे. ये पैच आपको मिलेगा, ज़रा ख्याल से आइएगा, ये टूटा हुआ है. और इस साइड पे कोशिश कीजिएगा कि पहाड़ वाली साइड पे गाड़ी चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं, इस साइड पे ना चलाएं. ये देखें ना, अब बिल्कुल हम दरिया के नज़दीक तरीन हो चुके हैं. रोड का काम भी लगा हुआ है और यार यहाँ से गाड़ी तो नहीं गुजर सकती ना. ये तो यहाँ से तो गाड़ी यार नहीं गुजर सकती भाई. कमाल ही होगा जो बंदा यहाँ से निकालेगा गाड़ी. ये भाई सारा रास्ता भूल चुके हैं, ये ऊपर वाली साइड पे चले गए थे.
आराम से लकी, आराम से। रास्ता भूल गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी रास्ते के हालात हैं। जगह जगह से जो है रास्ता टूटा हुआ है। आई थिंक जो लास्ट ईयर का जो सैलाब था उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें तबाह कर दी हैं जिनके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अल्लाह पाक बस हमसे राज़ी हो जाए, सबसे बड़ी बात यही है। और ये रहे हमारे हसी भाई, वन ऑफ द प्रोफेशनल बाइकर ऑफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स ये रहे हमारे बाइक्स अट रोड मेन बाज़ार, हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जी राइडर हैं जी हाडी सलीम भाई, प्राचा भाई, अपने लकी भाई, और ये आप जानते हैं आसिफ कटक। और ये रहे हमारे शाका भाई। शाका भाई ठीक है ना, खैर खरीत से है ना? कपड़ों की हालत आप देख सकते हैं, ये सब के ऐसे ही हुए हुए हैं क्योंकि मिट्टी बहुत है। रोड का बाज़ार, आप इसे अत रोड मेन बाज़ार भी कह सकते हैं क्योंकि बकाया जो आपको बाज़ार अगर मिलते हैं, कोई मार्केट मिलती है तो वो छोटी छोटी शॉप्स होंगी। यहाँ पे ये है कि बुनियादी ज़रूरियात की जो हैं आपको चीज़ें मिल सकती हैं। हमने कैंपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं, इंशाल्लाह वो आपको शाही बाग जा के इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये भी इलाका जो है वो काफ़ी डेवलप है, मगर रास्ता जो था वो बहुत खौफनाक था यार। फार्मिंग जगह जगह पे हुई हुई है, इस तरह कलाम में मुझे बहुत कम नज़र आया, यहाँ पे ज़्यादा है। और ये देखें, पता नहीं, अच्छा ये कब्रिस्तान है, देखें ये कब्रिस्तान है। और लोगों ने जो कब्रों को जिस तरह पंजाब या दीगर पाकिस्तान में पक्की की जाती है ना, तो यहाँ पे लकड़ियाँ लगाई जाती हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ताकि कोई बकरी वगैरह ना जाए या कोई चीज़ दूसरी ना जाए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था ना, फार्मिंग यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइज फार्मिंग की गई है। हमारे वहाँ पे तो जी बन्ने होते हैं जी, पंजाबी में कहते हैं बन्ने, यहाँ पे जी बन्ने जी लकड़ियों के बने हुए हैं। वाह, सैलाब आया था वो उस पानी ने इस फाउंडेशन को बिल्कुल हिला के रख दिया, बिल्कुल ना टेढ़ा हो गई है ये। मगर ये है कि राइट नाउ ये यूज़ कर रहे हैं, मगर वज़न वाला काम इस पर नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन आ गया जनाब, अब इस इंटरसेक्शन पे जो हमारे मेन राइडर हैं कमरान भाई, वही हमें डायरेक्शन बताएंगे क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ। लेफ्ट हो चुके थे और अभी हम जा रहे हैं। ये चढ़ाई अच्छी खासी है। और ये रहा जनाब शाही बाग का रास्ता, और उसके बाद जो है ना आपने राइट टर्न ले लेना है। असीब आ गया हुई, इस खूबसूरत गांव से गुजर रहे हैं। वाह, एक मिनट रास्ता कंफर्म कर लें। अभी हम यहीं पहुंचे हैं कि हमें पता लगा जी शाही बाग का जी रास्ता जी मुकम्मल बह चुका है, और इस दुश्वार गुजार रास्ते से जी हम कुमराट की तरफ अभी राइट नो रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह कुमराट पहुँचते हैं, और रास्ते तो मेरे भाई ये हैं, मगर आपको यकीन नहीं आएगा कि जो ये जो गांव है वो इतना खूबसूरत है,
मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं उसको जो है ना बता सकूं आप लोगों को। जो लोग आएंगे वही ऑब्जर्व कर सकेंगे। कोशिश करूंगा GoPro कुछ जस्टिफाई कर सके, मगर लगता नहीं है कि GoPro जस्टिफाई करेगा। कुमराड के रास्ते की जो ऑफ रोड है ना, वो भी कोई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप सामान के साथ भी आ रहे होते हैं, तो आपके लिए ऑफ रोडिंग ये ना डबल हो जाती है। और हम आराम आराम से कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑफ रोड करें। अब इस भाई ने रास्ता तो नहीं दिया, बहरहाल इसकी चटाई तो गिर गई। भाई करोला तो ले आए हैं, बहरहाल बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे ट्रेल बड़ी मुश्किल से चढ़ा है, तो देखते हैं हम किस तरह चढ़ते हैं। पहला गियर है और हाफ क्लच में जी चढ़ाया, मुश्किल हो गई थी ये पैच। शाका भाई नीचे रह गए। शाका भाई जो है ना वो नहीं चढ़ पाए, क्योंकि हमें भी मुझे भी आइडिया नहीं हुआ कि यार ये बिल्कुल ना यूँ चढ़ाइए, मोड़ के साथ ना चढ़ाइए। तो अब हुआ ये कि मैं तो रिथम में था नहीं, मैं तो वीडियो बनाता आ रहा हूँ, इंजॉय करता हुआ आ रहा हूँ, तो अचानक से ये ऐसा पैच आ गया, अनबिलीवेबल। ये आपको लग रहा नहीं है GoPro में कि ये चढ़ाई है, बहुत बड़ी चढ़ाई है ये। आ जाओ आ जाओ शाका भाई, चलो खैर कोई गल नहीं, थोड़ा जा बाइक नू रेस्ट दे दो, मैं तो कहना जान दे मैं धक्का मारा। चल एक बार दोबारा करो, चलो चलो जाओ तो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सांस ही वापस नहीं आ रहा, दिल की धड़कन है 100, एल्टीट्यूड है 2473 मीटर। ओह यार, ये पूछना था ये सी पैक कहाँ आगे था, कहाँ जा रहा है? अच्छा ये थल तक जाता है, मतलब जिसने रीढ़ की हड्डी का इलाज कराना वो यहाँ पर आए, ऐसा ही है? हाँ 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 अच्छा अच्छा, मतलब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। रास्ता ये वाला जो है ना इंतहाई दुश्वार गुजार है, और लगता नहीं है कि आज हम कुमराड पहुंच पाएंगे। पता नहीं क्यों खड़ा करा दिया, अब समझते हैं कि जनाब शायद कोई गाड़ी आ रही है। यस गाड़ी आ रही है, ये बहुत मुश्किल मोड़ था भाई,
बस ऐसे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम हो रहा है 4:27 हो रहे हैं। तो अब देखते हैं जनाब कुम्हराट हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बहरहाल अपनी कोशिश पूरी है कि कुम्हराट पहुंचे, ना पहुंचे तो अल्लाह की मर्जी, या कोई प्लान चेंज करते हैं। लेट्स सी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुखेल नहीं, अकील है। अकील, अकील। आपका? बिलाल। उबैद, जवाद, अदनान, शकील। बहुत शुक्रिया पानी पिलाने का और गपशप का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा। रास्ते, ये जो टॉप है ना, इस पे मज़ीद आधा घंटा लगेगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनसे यार पानी पिया, प्यास बहुत लग चुकी थी, मेरा जो अपना पानी था ख़त्म हो चुका था। और वाकई यार ये जो ऑफ रोड है ना, ये करने वाली है, ये करने वाली। ये जो लूज ग्रेवल है ना, बेसिकली क्या करती है, आपका जो टायर है उसको स्लिप करती है। अभी कुछ देर में ही बडागोई टॉप पहुंच जाएंगे। और ये रास्तों की सूरत हाल है, जिस तरह लग रहा है लोहारी पास जिस तरह होता था वहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है, और ये जिग जैक रोड है। यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन कम हो जाती है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड था 2963 मीटर, ऑलमोस्ट 9000 फुट बन जाता है। और हालात यहाँ पे बहुत ख़राब हैं, शदीद किस्म की थकावट है। यहाँ चश्मे से पानी पी रहे हैं ताकि आगे फिर निकलें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं, ओए होए होए, वाह माशाल्लाह। और ये ग्रेवल वाला जी पैच स्टार्ट हो गया, वाह भाई वाह भाई, ज़रूर आना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। इतने घूमने के बावजूद CD70 पे भी जी लोग आए हुए हैं। यूनाइटेड का CD70 जो है थोड़ा सा बेटर है, मुझे लगता है कि उसमें पिस्टन जो है वो बड़े साइज़ का होता है। लगता है जनाब बडागोई टॉप के करीब पहुंच चुके हैं हम। मज़ा आ रहा है ये सोच के कि बडागोई टॉप के करीब हैं हम। ओए 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 यार नज़ारा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि वन साइड ट्रैफिक ही चल सकती है यहाँ पे, अगर गाड़ी आ जाए तो बाइक अभी गुजरना थोड़ा सा मुश्किल होता है और डेंजरस होता है। तो राइट नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस, और थोड़ा यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएँगी वो NCP हैं, नॉन कस्टम प्लेट। और मसला ये है कि इन गाड़ियों पर कस्टम नहीं होता भाई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप है इस रोड पे, रास्ता सिंगल है और गाड़ियाँ जो हैं धुआं ऐसा छोड़ती हैं ना। और दूसरा मिट्टी वाला रोड है, उससे क्या होता है यार, बहुत धूल उड़ती है, बहुत धूल उड़ती है यहाँ पे।
Look at this. GoPro को मैं जितना कोशिश कर लूँ ना यहाँ पे मिट्टी से बचा लूँ, मुश्किल ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई ने रास्ता दे दिया, मेरे लिए आसानी हो गई। हाँ ये मोड़ है दूसरी गाड़ी के लिए जी, रास्ता उन्होंने बना दिया यार। इस तरह नहीं लग रहा है जिस तरह स्कॉटलैंड में आ गया भाई, स्कॉटलैंड में यार, बिल्कुल वही लैंडस्केप है यार, माशाल्लाह। ओए 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 ओए, बहुत खूबसूरत पहाड़ है भाइयों, बहुत खूबसूरत। यार मेरा तो इनसे ना निगाह ही नहीं हट रही, मैं बाइक क्या चलाऊं यहाँ पर, क्या चलाऊं। होए होए मुश्किल है, GoPro जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइक अच्छा भला जो है ना यहाँ पे मिसिंग कर रहा है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। नहीं लाला नहीं, लाला राइडर है भाई, लाला राइडर है, वाह शाबाश लाला, बचा ली बाइक। दोस्तों हम पहुंच गए बटगोई पास, और बटगोई पास में आपने देखा है हसीब ने डीआर 250 और लाला कमरान ने डीआर 250 और अपने कैलेक्स 250 पे हसीब ने एक ज़बरदस्त स्टंट मारा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाना ताकि आने वाले बेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको मालूम आती रहे। यहाँ पर बहुत सारा रश है तो मुश्किल हो रही है थोड़ा व्लॉगिंग करने, मगर अपना ख्याल रखिएगा, कलीम खान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।